अच्छा अचीव करें ताकि उसके अगले साल के लिए और मोटिवेशन मिले। तो इस साल की कुछ टू डू लिस्ट हैं, आई थिंक वो होंगी और उसके बाद नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह विल बी समवेयर एल्स मोर बेटर। सो या आज के दिन की शुरुआत किस तरह से हुई और क्या कुछ स्पेशल हुआ एक से ना जस्ट बोलना द म्यूजिक दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर गौतम जी। पहले तो जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छा आपको, आप क्या कहना चाहोगे आज के दिन की शुरुआत कैसी हुई आपकी? थैंक यू फॉर द विशेज यार। सुबह से मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और सुबह की शुरुआत बहुत सारे केक्स आए, फ्लावर्स आ रहे हैं, विशेज आ रही हैं, तो उसी से हुई। अब मैं थोड़ा सा डाइट पे चल रहा हूँ तो मैं सब कुछ खा नहीं पा रहा, बट या इट्स ऑलवेज अमेजिंग यार टू फील स्पेशल। आई थिंक ये एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आपको लोग बहुत फील कराते हैं स्पेशल, और आपको वो लोग भी जिनसे आप कनेक्ट में नहीं होते कई महीनों तक या कई सालों तक भी, उनकी भी विशेज जब आपको मिलती हैं तो आई मीन आपका दिन और बेटर हो जाता है, बहुत ही खूबसूरत दिन होता है आपका। बाकी कुछ भागा दौड़ी चल रही है सुबह से चीज़ों की, तो वो ही पीआर टीम के साथ मेरी चल रही हैं चीज़ें, एंड या इट्स गोइंग ऑन, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। तो या इस जगह के बारे में क्या कहना चाहोगे महाराजा? वो काफ़ी वंडरफुल प्लेस है, हम आते हैं यहाँ पे, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है, आप क्या कहना चाहोगे इस जगह के बारे में? महाराजा भोग मुझे एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है। द रीज़न इज़ कि मैं ज़्यादा वेजिटेरियन खाना नहीं खाता, और आई थिंक ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आके मैं डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता हूँ, और स्पेशली नवरात्रि चल रहे हैं तो मॉम डैड ने मना किया है कुछ और उल्टा सीधा खाने से, तो मैंने कहा दिस इज़ अ स्पेशल प्लेस एंड बेस्ट प्लेस कि जहाँ पे वी कैन एंजॉय ऑल द वेजिटेरियन फूड और द एम्बियंस, द एनवायरमेंट, एवरीथिंग इज़ रियली अमेजिंग ऑफ महाराजा भोग। सो इसलिए आई प्रेफर दिस फॉर टुडेज टू सेलिब्रेट माई स्पेशल डे विद माई फ्रेंड्स। सर आपको आज क्या क्या सरप्राइज मिला फैमिली की तरफ से, फ्रेंड की तरफ से, क्या कुछ मिला? यार बहुत गिफ्ट मिले फ्रॉम लाइक जो भी मुझे पसंद है स्पेशल चीज़ें, मैं नाम कहीं नहीं ले सकता चीज़ों के, बट बहुत चीज़ें मिली, बहुत गिफ्ट मिले, बहुत दुआएं मिली, बहुत लोगों ने दिल से विश किया आगे की जर्नी के लिए, बहुत खुशियाँ मिली, बहुत प्यार सम्मान दिया लोगों ने, और बस कुछ चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से थोड़ी भाग दौड़ चल रही है, उनकी बस तैयारी चल रही है, और आई थिंक एवरीथिंग विल बी वंडरफुल गोइंग टू हैपन। गौतम दुआ के साथ जो प्यार मिलता है आपके किरदार की, मैं बात करूँ कोई भी किरदार हो, राइट फ्रॉम योर फर्स्ट शो टू द एंड लास्ट शो, जिस तरह का प्यार आपको रिसीव होता है फैंस की तरफ से, इट्स वेरी गुड, क्या कहना चाहोगे? इतना प्यार मिलता है एक कलाकार को, इतना प्यार मिलता है तो उसकी उससे ज़्यादा क्या होता है कलाकार के लिए? या मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें वो लोग भी दुआएं देते हैं जो हमसे कभी मिले नहीं, जो हमें जानते नहीं, सिर्फ वो हमें टीवी के थ्रू जानते हैं, कैमरे के थ्रू जानते हैं, और तो हमें बहुत ब्लेस्ड फील होता है। उसके लिए हमारा होता है कि हम जितने से ज़्यादा हार्डवर्क कर सकें और लोगों को एंटरटेन कर सकें ताकि उनसे और प्यार ले सकें, और आई थिंक मेरा बायो भी ऐसा ही है मेरे सोशल मीडिया पे कि कलाकार मैं कल को आकार दूँ, यही है मेरा धर्म, मेरी दूसरी कोई जात ना। तो आई एम हैप्पी एंड आई एम ब्लेस्ड बीइंग एन एक्टर आई थिंक, एंड दिस इज़ द वंडरफुल लाइक द प्रोफेशन आई एम इन। सो या आई लव एवरीवन, बहुत मैसेजेस, बहुत सपोर्ट आया सुबह से, मैंने सबको रिप्लाई नहीं कर पाया, बट आई ट्राइड माई बेस्ट, बट आई विल श्योरली ट्राई टू रिप्लाई एवरीवन। सर आपको सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं, आप बिग बॉस में जा रहे हो तो क्या कुछ कहना चाहोगे उसके बारे में? यार अभी तक कुछ ऐसा कंफर्म नहीं है ऑनेस्टली, पता नहीं अभी देखते हैं आगे कैसे जर्नी जाती है, बट अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है अभी, मतलब सिर्फ बात है, नॉर्मल चीज़ें हैं, मतलब सोशल मीडिया पे हर जगह पे है, बट अभी कुछ ऐसा कंफर्मेशन नहीं है, सो लेट्स सी। बट गौतम मैं बात करूँ, कोई भी रियलिटी शो में हम जाते हैं, आपको जिस तरह प्यार मिलता है, पर अगर आपको कोई रियलिटी शो पिक करना हो तो कौन सा पहला रियलिटी शो आप पसंद करोगे जाने के लिए? आई थिंक अगर मुझे पिक करना हो तो मैं सबसे पहले आई थिंक बिग बॉस ही पिक करूँगा। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि आज की सोशल मीडिया, फ़ोन की दुनिया में जब वो चीज़ें नहीं होंगी आपके पास, आप कैसे रिएक्ट करोगे? सो आप अंदर से कैसे चेंज होगे, आपका माइंड सेट कैसा होगा कि कभी आपके पास फ़ोन नहीं है, घड़ी नहीं है, टाइम नहीं है, दोस्त नहीं है, फैमिली नहीं है, सो आपकी दुनिया 3 महीने के लिए वही 14-15 लोग हैं, तो आई थिंक मैं वो ही पिक करूँगा, या फिर बिकॉज आई एम वेरी एडवेंचर एंड वेरी स्पोर्टी, तो उस सेकेंड ऑप्शन इज ऑलवेज खतरों का खिलाड़ी। सो या इसके अलावा बिग बॉस की आपने जैसी चर्चा की, सलमान सर के लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि हमें पता है सलमान सर वीकेंड में आते हैं, अच्छे के साथ अच्छे, बुरे के साथ, आप बोलना कुछ चाहोगे सर के बारे में? आई लव सलमान सर, आई मीन बिकॉज दे आर ऑल लेजेंड, सलमान सर, शाहरुख सर, आमिर सर, एंड आई थिंक
मैंने जितने भी बिग बॉस के सीजन देखे हैं या उनके इंटरव्यूज भी मैंने देखे हैं, मतलब वट एवर ही सेज ही इज ऑलवेज राइट. मतलब वो पूरा पूरा एकदम लोगों को जिस हिसाब से वो समझाते हैं, उनका पेशेंस एंड उनका एक्सपीरियंस एंड एवरी थिंग, दैट्स वाई आई लव अबाउट दैट पर्सन. और आई थिंक बिग बॉस उन्हीं से है, लोग उनको देखने के लिए सैटरडे संडे देखते हैं, और आई थिंक वही मेन TRP है कलर्स की बिग बॉस की. तो या आई लव, तो वेन एवर आई गेट अ चांस टू वर्क विद हिम, या मैंने उनके साथ एड शूट किया इन द पास्ट. एक्चुअली बिग बॉस का प्रोमो ही शूट किया था आज से 5 साल पहले मैंने, जब मैं नया नया आया था. तो अब देखते हैं आगे क्या होता है. थैंक यू सो मच गौतम. थैंक यू.